हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 1। बच्चों, कोरोना की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास पुनः शुरू हो गई है और पिछले साल की भांति इस साल भी हमारा चैनल आपके लिए सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाएगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और एक और सूचना है आपके लिए कि हमारे चैनल लिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको एक रहस्य चालीसा नाम का चैनल मिलेगा जिसमें आपके लिए काफी रहस्यमयी कहानियों का संग्रह है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और उस चैनल पर आप रहस्यमयी कहानियां सुन सकते हो और कुछ देख भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट है हिंदी विषय की, जिसमें हम लोग हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कुछ अंश को करेंगे। यह पाठ लिया गया है एक कविता से, और जो कि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। यह बसंत भाग 2 से ली गई है यह कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहली बात तो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने विद्यालय अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। जब आप को बाहर निकलने से रोका जा रहा होगा और घर में ही जब आप लॉकडाउन में कैद होंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक घर में बंद होकर रह जाना कितना मुश्किल होता है, अपने ही घर में कैद होकर रह जाना कितना मुश्किल होता है, कि बाहर हम घूम नहीं पाएंगे, दोस्तों से मिल नहीं पाएंगे, अपनी मर्जी से हम कहीं आ जा नहीं सकेंगे, उस कष्ट को हमने झेला है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे कि किसी के वश में रहना, कहीं कैद होकर रहना कितना कष्टप्रद होता है। इसी चीज को शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता में दिखाया है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं, और उस पाठ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उसको देख लीजिए। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ, स्वतंत्र, अपने मन का मालिक, जहां चाहें वहां जाएं, इसको उन्मुक्त कहते हैं, उन्मुक्तता कहते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, आपने पिंजरा देखा होगा, इस तरह का पिंजरा होता है ऐसे ऐसे, और इसमें पंछियों को बंद कर दिया जाता है और उसको खाना पीना इसी में दिया जाता है। कनक, कनक का मतलब सोना होता है, सोना गोल्ड, सोना सोने वाला नहीं, गोल्ड वाला सोना, पहनने वाला। और पुलकित, पुलकित का मतलब होता है खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटु, कटु का मतलब कड़वी होता है, और निबोरी, नीम के फल को निबोरी कहते हैं। तो यहां कविता की पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बधना गा पाएंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं एक पंछी के मन की बात को बता रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त खुले आसमान के हैं, हम खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, हम अपने मन से उड़ान भरना, कुलांचे भरना पसंद करते हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। हमारा कलरव, हमारी जो ची ची की धुन है, यह खुले आसमान में ही निकलती है, पिंजरे में बंद होने पर हमारे कंठ से आवाज नहीं निकल पाता, हम उसके अंदर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और पंछी कह रहा है कि सोने के जो पिंजरे हैं, कनक, कनक मतलब सोना, और तिल्ली मतलब सोने के तीलियों से बने पिंजरे, मतलब कि अगर हम लोग को कोई सोने के पिंजरे में भी रखे और उसमें हम फड़फड़ाएं, हमारे खुशी या हर्ष से पुलकित पंख जब फड़फड़ाएंगे तो उन सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, वह सोना हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे कभी पसंद नहीं करेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कह रहा पक्षी कह रहा है कि हम बहता नदियों के जल, हम नदियों के जल पीने वाले हैं, हमें कटोरे में रखा जल नहीं चाहिए, हम शीतल झरनों का जल पीते हैं, हम अपने मन से नदी का जल पीते हैं, हम अपने मन से झील का जल पीते हैं, सागर का जल पीते हैं, हम इस तरह से भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम पिंजरबद्ध होकर के नहीं रह पाएंगे। आगे पंछी कहता है कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ आप देख रहे हैं कि पक्षी का भाव है
कि स्वतंत्र होकर कड़वी निगोरी खाना कहीं अच्छी है, नीम का फल, कड़वा नीम का फल खाना अच्छा लगता है अपने मन से, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी कड़वा फल खाया कभी मीठा फल खाया, जो मर्जी वो खाया, लेकिन कैद होकर सोने के कटोरी में रखी मैदा खाना हमें पसंद नहीं है। हम कैदी होकर नहीं रहना चाहते हैं, हम उन्मुक्त होकर उड़ना चाहते हैं, हम अपने मन से चलना चाहते हैं। इसका भावार्थ भी नीचे लिखा हुआ है, आप भावार्थ देख लीजिए। भावार्थ में है कि चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे, पिंजरे की इन तीलियों भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनसे टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे, हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निगौरी सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं कि आइए जाने हमने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी के मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। नेक्स्ट है, इसके बाद तीन और प्रश्न हैं। क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं, कैसे। और चौथा प्रश्न है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। पांचवा प्रश्न है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, क्योंकि पक्षी उन्मुक्त होकर खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, इसलिए वह पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते। नेक्स्ट है प्रश्न दो, कि कड़वा नीम का फल, यहाँ फल होगा, कड़वा नीम का फल मतलब निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है, कैद होकर सोने की कटोरी में रखे मैदा से ज्यादा अच्छा स्वतंत्र होकर कड़वा निबोरी खाना ही पक्षियों को प्यारा होता है, अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति या जीव कैद होकर अच्छा भोजन खाना पसंद नहीं करता, वह स्वतंत्र होकर रूखा सूखा खाकर ही सुखी रहता है। उसके बाद प्रश्न तीन है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं, कैसे। इसका उत्तर है, हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे पालतू पक्षियों को देखा गया है कि वह अपने दाना खिलाने वाले के हाथों पर, सर पर और उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। वह भाव के भूखे होते हैं, प्रेम और नफरत के भाव को समझते हैं। उसके बाद प्रश्न चार है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, कोयल, कौवा, तोता, कबूतर, बाज, गौरैया, मैना आदि बहुत सारे पक्षी होते हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न पांच है कि कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो इसका उत्तर है, मुझे तोता सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। आपको जो पक्षी अच्छा लगता होगा आप उसके बारे में लिखेंगे। तोता पक्षियों के सीटी कुल का पक्षी है, जो गर्म देशों का निवासी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है और मनुष्यों की बोली की नकल बखूबी कर लेता है। इसकी कई जातियां हैं जिनमें हरे रंग का तोता बहुत जगह पाया जाता है। तोता झुंड में रहने वाला पक्षी है, जिनके नर मादा एक जैसे होते हैं। इनकी उड़ान नीची और लहरदार लेकिन तेज होती है, या इधर उधर घूमते हुए उड़ते हैं। इनका मुख्य भोजन फल और सब्जियां हैं, जिसे यह अपने पंजों से पकड़कर खाते हैं। तोते की बोली कड़ी और कर्कश होती है, लेकिन इनमें से कुछ सिखाया जाने पर मनुष्यों की बोली की हूबहू नकल कर लेते हैं। इसके लिए अफ्रीका का स्लेटी तोता सबसे प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हिंदी की पहली वर्कशीट थी। इसी तरह से हम आपके सारे वर्कशीट इस चैनल पर लेकर समय से पहले आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।